भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आय भी बढ़ाएगा। फार्मर्स प्रोटेस्ट को शुरू हुए करीब एक महीने हो चुके हैं, लेकिन सॉल्यूशंस का कोई नाम और निशान तक नहीं है। अब तक आप जरूर समझ चुके हैं कि ये फार्म बिल्स क्या है और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, लेकिन क्या आप इनसे जुड़े सच्चाइयों को जानते हैं? अगर नहीं, देन ये वीडियो आपके लिए, और अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मैं इस प्रॉब्लम को ठीक से एड्रेस किया कि नहीं, और लेट्स हैव अ डिस्कशन। फार्मर्स का प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या फर्क पड़े? कुछ लोग का तो मानना है कि वो तो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन से ही ऑर्डर कर लेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया में जय जवान जय किसान तो लिख देते हैं लेकिन आधा सच जान के ही खुश है। और हाफ ट्रूथ्स आर मोर डेंजरस देन फुल लाइज। लेकिन एक छोटा डिस्क्लेमर है, अगर आप अपना पॉलिटिकल व्यूज से ही डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सही है और कौन गलत है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपना डिसीजन रिकंसीडर करें, क्योंकि मेरा मकसद है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो बात यह है कि 27 सितंबर 2020 को तीनों फार्म बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास किया। आपको बहुत सारे और वीडियोस मिल जाएगा जहां पे ये तीनों फार्म बिल्स पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा फार्मर्स खुश क्यों नहीं है। इसे समझने के लिए हम लोग को फार्मर्स का प्रॉब्लम तक पहुंचना है। तो प्रॉब्लम नंबर वन, नो एमएसपी। लेकिन इन ये तीनों बिल में तो कहीं पे भी एमएसपी हटाओ पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं है, तो ये पॉइंट क्यों आ रहा है? अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि एमएसपी क्या होता है, और चलिए ये समझने के लिए फार्मर्स के पास ही जाते हैं। मंडी में होता क्या है? मंडी में जब हम अपनी फसल लेकर जाते हैं उसका गवर्नमेंट का एक एमएसपी या मिनिमम सेल प्राइस वो उससे कम नहीं खरीद सकती। अच्छा, ये अब क्या है, अब वो एमएसपी उसने तोड़ दिया। प्रॉब्लम नंबर टू, रिमूवल ऑफ एपीएमसीज, यानी कि मंडीज। नहीं, अभी प्रॉब्लम नंबर वन खत्म नहीं हुआ है, ये दोनों प्रॉब्लम एक्चुअली लिंक्ड है। अभी सवाल ये उठता है कि अगर प्राइवेट कंपनीज एमएसपी से ज्यादा प्राइसेस देने लगे तो फार्मर्स का तो फायदा ही होगा ना, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। किसानों का डर है कि प्राइवेट कंपनीज शुरुआती दौर में तो हाई प्राइसेस देंगे लेकिन बाद में ये एमएसपी और एपीएमसी का सिस्टम को ही कंपटीशन से निकाल देंगे। चलिए ये डर के बात भी फार्मर्स से ही सुन लेते हैं। अगर हमारे ये एक पैरलर मंडी खड़ी करना चाहते हैं, अगर पैरलर मंडी खड़ी हो गई तो जो सरकारी मंडी है उसको घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा। तब सरकार बोलेगी हम इतना तामझाम क्यों करें, ये सरकार को घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा तो वो सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, वो पैरलर मंडी जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो अपनी मनमर्जी करना शुरू कर देंगे। ये एकदम नहीं होगा, ये 2-3 साल में होगा, एकदम नहीं होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लाइन इसमें डाल देंगे। जब पैरलर मंडी खड़ी हो गई, मिनिमम सपोर्ट, जब सरकारी खरीद की मंडी बंद कर दी 2-3 साल के बाद, तो वो उस लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समझ नहीं आया, ओके लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, जब ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में आया था तब इसका वादा था कि ये फ्री कॉलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ अलग ही होने लगा। अभी उन लोग का सर्विसेज ट्रू फ्री कॉलिंग नहीं कहलाता, राइट? तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? सिंपल, ये दोनों प्रॉब्लम्स किसानों का डर से पैदा होता है और ये एग्जीक्यूशन पे क्वेश्चन करता है। हमने भी अपना अपना पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है कि सरकार एग्जीक्यूशंस पे उतना ध्यान नहीं देता है जितना कि अनाउंसमेंट्स पे। तो ये प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर थ्री, अड़हतियों को निकालना, यानी कि रिमूवल ऑफ मिडलमैन। क्या आपने कभी सोचा है कि फार्मर्स जिस ऑनियन को 20 रुपीज पर किलो से भी कम प्राइस में मार्केट में बेच रहा है, उसी मार्केट से आप 60 रुपीज से भी ज्यादा प्राइसेस पे ऑनियन खरीद रहे हैं? ये हमारे कंट्री का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो कि मिडलमैन का प्रॉब्लम। लेकिन ये उनका एक नेगेटिव साइड है। फार्मर्स समझते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ ये नेगेटिव साइड्स को ही फोकस कर रहा है। उनका ये मानना है कि अड़हती यानी कि मिडलमैन एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसके साथ फार्मर्स का एक 1-to-1 रिलेशनशिप है। फार्मर्स भी उनपे कुछ एसेंशियल चीजों के लिए डिपेंडेंट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फार्मर्स कुछ कैश के लिए मिडलमैन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बैंक के पास अगर एक फार्मर जाएगा एक लोन लेने के लिए या फिर कुछ उधार करने के लिए तो बहुत समय उसको लग जाएगा। प्रॉब्लम नंबर फोर, कॉर्पोरेट ज़ॉम्बीज़।
अगर कल को ये लॉ इम्प्लीमेंट हो गया और कोई एक बड़ा कंपनी आके किसानों से कुछ फसल उगाए और बाद में उसे खरीदने से इनकार कर दे तो किसान किसके पास जाएंगे फॉर जस्टिस? क्या ये चीज भी ट्विटर पर ट्रेंड होगी, हैशटैग जस्टिस फॉर किसान? नॉट रियली, राइट? इस लॉ में एक प्रॉब्लम है. In this law, there is no provision that the farmer can go to a civil court for settling disputes regarding contract farming. उन्हें subdivisional levels पर ही सरकारी officers के साथ काम करके ये चीज को settle करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा flawed system है. लेकिन एक चीज हम लोग miss कर जा रहे हैं, जो कि contract farming के लिए farmers को consumer court में protection मिल सकता है. 2020 के ही मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने corporate versus farmer का एक जजमेंट में कहा है कि farmers जब कोई फसल कोई बड़ा कंपनी के लिए उगाता है तो farmers भी एक consumer है और उसे consumer court में protection मिल सकता है. लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस सिस्टम में भी बहुत सारा खामियां हैं. ये सिस्टम भी काफी बार करप्शन के चपेट में आ चुका है. सो ये सिस्टम भी फ्लॉड है. तो एक बहुत ही क्लीन एंड ग्रीन सोल्यूशन का जरूरत है, जहां पे गवर्नमेंट को फार्मर्स के साथ काम करके ये प्रॉब्लम को निपटाना पड़ेगा. प्रॉब्लम नंबर 5, सिस्टमिक डेफिशिएंसीज. देखिए, अभी अगर एक किसान फार्म अपना फार्म प्रोड्यूस को लेके मंडी में जाता है तो उसे एक टैक्स पे करना पड़ता है मंडी को. लेकिन अभी अगर प्राइवेट कंपनीज बीच में आ जाएगा तो ये टैक्स बंद हो जाएगा, क्योंकि किसान मंडी में नहीं जाएगा. तो क्या होता है कि ये मंडी सिस्टम को एक बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाएगा. ये जो टैक्स फार्मर्स से कलेक्ट किया जाता है, ये एक्चुअली मंडीज का एम्प्लॉइज को या मंडीज का फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने में यूज होता है. फार्मर्स का डर है अगर ये प्राइवेट कंपनीज आके चीजें खरीदने लगेंगे, मंडीज धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा. सरकार जिस मिडिलमैन को हटाने का इतना कोशिश कर रहा है, उनके रिमूवल के वजह से दो और सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में अराइज. नंबर 1 इज जॉब लॉसेस. पंजाब में ही करीब 50,000 मिडिलमैन काम करते हैं. उनके रिमूवल की वजह से रिपल इफेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो सकता है. नंबर 2 इज इम्बैलेंस ऑफ पावर. अगर अड़हतियों को मंडी सिस्टम से निकाल दिया गया, देन कॉर्पोरेट्स हु आर प्रेटी मच न्यू इनटू द सेक्टर कैन एक्चुअली हायर देम एज लेबरर्स. और अगर ये मिडिलमैन बड़ा कंपनीज के द्वारा बैक्ड होंगे तो ये फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. जो गन्ने का गेहूं का भाव है 2000, वो अब मिलेगा इसके टूटने के बाद 800-900 1000 में. इसलिए ये हिंदुस्तान का, पंजाब का, हरियाणा का जो भी किसान ये काम करता है वो अकेला नहीं मरेगा. उसके साथ जो भी दुनिया में यहाँ रहते हैं, दुकानदार हैं, जो व्यापार करते हैं, चाय बनाते हैं, जो भी है, वो सब नष्ट हो जाएगा. देखिए, हमें पता है कि मंडी सिस्टम फार फ्रॉम परफेक्ट है. पंजाब में जहाँ एक मंडी 116 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, वहीं पे मेघालय में एक मंडी 11,215 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है. दोनों स्टेट्स में मंडी के एक्सपीरियंस सेम होना इम्पॉसिबल है. और हमें भी एक ब्रोकन एंड फ्लॉड सिस्टम से दूसरा और एक ब्रोकन एंड फ्लॉड सिस्टम में जाना नहीं है. रिफॉर्म्स फार्मर्स के लिए है, और अगर ये फार्मर्स को ही पसंद नहीं आया देन इसका क्या फायदा? और इन सब के बीच ये प्रोटेस्ट को मिस इन्फॉर्मेशन की डेडली वेपन से डिरेल किया जा सकता है. Radical group Seeks for Justice has now tried to hijack protest of farmers. They have announced that they want to offer $1 million to the agitating farmers. धमकी दी कि इस और उससे ये लगता है कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है. आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं, और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे यूथ जनरेशन को ये फार्मर्स प्रोटेस्ट समझना बहुत ही जरूरी है. और ढेर सारा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज एंड द कोविड प्लेलिस्ट विच इज इन इंग्लिश. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.
नमस्कार।